अयूब है और मैं पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ। मैं पेशावर स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। मेरा आज इस वीडियोस को बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे अभी इस टाइम पर कोरोना वायरस की वजह से फंसे हुए हैं, उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए और वो घर पे टाइम ज़ाया ना करें और थोड़ी बहुत स्टडी कर सकें। तो मैं अभी आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, जिसे मैं टॉपिक नंबर 1 बोलूँगा हमारे 10th के कोर्स का, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास के कोर्स का, जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ज़्यादातर एसएससी के कोर्सेज में और आईजीसीएसई की सीएई उनकी ओ लेवल्स के एग्जाम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन भी आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 10th क्लास के कोर्स में या एसएससी के कोर्स में पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट फाइंड करने का तरीका आ जाए, उसके सारे मेथड सीख लें आप लोग कि जिससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकें। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को आप 9th क्लास में मैट्रिसेस मेथड से या क्रैमर रूल मैट्रिसेस के मेथड से, क्रैमर रूल से, इन्वर्शन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से ऑलरेडी आप सीख चुके हैं और लोअर क्लासेस में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और दूसरे 2-3 मेथड और भी पढ़े हुए हैं, जिससे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन फोकस हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती हैं और इनका सॉल्यूशन सेट वगैरह कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स जनरल फॉर्मेट या जनरल फॉर्म वुड बी लाइक दिस। ये जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसे ax² + bx + c की फॉर्म कहते हैं, जिसमें a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू इसमें 0 हो गई तो a की वैल्यू को 0 पुट करने की वजह से ये एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद फिर वो सिंपल इक्वेशन के जितने भी रूल्स हैं वो इस पर एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए यहाँ पर ax² + bx + c की फॉर्म में जब भी कोई इक्वेशन होगी तो ऐसी इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें a, b और c जो है वो तीन एक कांस्टेंट नंबर्स होंगे और वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। a या b और c जो है वो हमारे पास तीन किस्म के अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक कि अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड कौन कौन से हैं और किन तरीकों से अलजेब्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़े हुए। नंबर 1, हम किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को बाय द रूल ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 मेथड, हम उसे कंप्यूटिंग स्क्वायर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मेथड नंबर 3 के जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होगा, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वो तीन मेथड्स हैं जिस मेथड्स के जरिए हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। कुछ इक्वेशंस जो होंगी वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकेंगी, कुछ इक्वेशंस जो होंगी वो फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाएंगे हम लोगों ने सॉल्व, तो फिर हम कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। और वो इक्वेशंस जो अगर ये दोनों मेथड्स की अगर ये वाला फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लग रहा तो फिर हो सकता है कि हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से हम अप्लाई करें और उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ जाते हैं और एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने जो जो मेथड्स पढ़ने हैं या जो जो चीज़ें पढ़नी हैं उस मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स को करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। याद रखिए कि हमारे पास फैक्टराइजेशन पढ़ाते वक्त मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर उसकी डिग्री 3 है तो हम उसको रिड्यूस करके डिग्री 2 और डिग्री 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर उसकी डिग्री 2 है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसकी डिग्री 1 में। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने एक फॉर्म पढ़ा था a² + b² + 2ab, ये फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं जो कि अगर फैक्टराइज कर दिया जाए तो a + b² या फिर a + b * a + b भी लिखा जा सकता है। आप क्लियरली नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इस डिग्री
इस एक्सप्रेशन की डिग्री जो है वो 2 है, जबकि इस जगह पर जब हमने इनको फैक्टराइज किया तो फैक्टराइजेशन करने के बाद इनकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जो है वो हमारे पास क्या हो गई, ये डिग्री 1 के कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से अब हम लोग फैक्टराइजेशन का एक प्रोसेस पढ़ेंगे, हम कुछ इक्वेशंस उठाएंगे। इक्वेशंस के बारे में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि वो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ऑलरेडी पहले से ही उनके अंदर एक इक्वेशन इक्वालिटी का साइन मौजूद हो, ऐसी इक्वेशंस को इक्वेशन का नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन हम उठाते हैं, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से जो मैंने मेथड अभी आप लोगों को बताई दी है कि फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और क्वेश्चन में ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपलीफाई करें। फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड एक वो मेथड है जिसमें हम लोग डिग्री को रिड्यूस कर सकते हैं, और डिग्री रिड्यूस करने से वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन उसमें आसानी से हो सकती है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल है, इसमें देखता हूँ कि कौन कौन से रूल्स पे अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने देखा ये इक्वेशन को, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड जो कि सेवन नॉट रूल भी कहा जाता है जिसे वही अप्लाई कर सकता हूँ, जिससे एक्स स्क्वायर को 4x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपने पास सफर में यहाँ पे मेंशन करेंगे 4x स्क्वायर, जो कि मैंने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से a की वैल्यू को, यहाँ पर a की वैल्यू जो कि मेरे पास 1 लिखी हुई थी, इसको मल्टीप्लाई करने से x c की वैल्यू के साथ, और फिर दरमियान में मेरे पास जो लिखा हुआ था 5x वो भी मैं अपने पास मेंशन करूंगा, ये मेरे पास प्लस एड या सब्ट्रैक्ट करने से आना चाहिए। अब मैं दो नंबर्स ऐसे डिसाइड करूंगा जिनको ऐड करने से या सिर्फ मल्टीप्लाई करने से उनके 4 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से मेरे पास 5 आना चाहिए। तो वो नंबर्स सबसे पहले मैं 4 का अपने पास जो नंबर मेरे पास 4 जो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए वो लिखूंगा और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। मुझे पता है कि 1 और 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 4 भी आता है, 4 एंड 1 ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 4 भी आते हैं, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से मेरे पास 5 भी आएगा, जो कि मेरे पास ये भी है और ये भी है। जो साइन यहाँ पर मेरे पास मौजूद होगा ये साइन हमेशा याद रखें कि बड़े लेटर्स बड़े नंबर के साथ प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये साइन यहाँ पर बचना चाहिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमेशा याद रखें कि बड़े वाले नंबर का ही साइन आगे कैरी किया जाता है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करना है। तो ऑफकोर्स अगर ये प्लस 4 है तो ये भी मेरे पास प्लस 1 होना चाहिए, और जो वेरिएबल इसके साथ होगा वही वेरिएबल मैं यहाँ पे भी मेंशन करूंगा, और फिर यहाँ पर इस 5x को स्प्लिट करूंगा और उसकी जगह पर ये 4x एंड 1x ऐड करूंगा, यहाँ पर 1x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि चार टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब भी आपके पास चार टर्म्स होते हैं तो आप उसमें पेयर्स बना के दो दो में से कॉमन निकालते हैं। यह हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 9th क्लास के कोर्स में पढ़ चुके हैं। इन दोनों में सबसे पहले हम कॉमन लेंगे जो कि मेरे पास x है, x में कॉमन लिया तो बचा x, इधर से बचा 4, और यहाँ से जब 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से मैंने नोटिस किया कि मेरे पास यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं, एक टर्म है मेरे पास x इंटू x प्लस 4 और दूसरी टर्म है मेरे पास 1 इंटू x प्लस 4, दोनों में x प्लस 4 और x प्लस 4 मेरे पास कॉमन है, मैंने x प्लस 4 यहाँ से कॉमन लिया और जो अनकॉमन बचेंगे दोनों टर्म में से वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर मैं पहुंचूंगा तो जो बात मैं आप लोगों को उस टाइम बता रहा था कि जब भी कोई भी इक्वेशन हो जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी इक्वेशन का होगा वो हमारे पास हमेशा ax² + bx + c इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो 0 यहाँ पर क्यों होना चाहिए उसकी वजह यहाँ पता चलेगी आपको कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आंसर मेरे पास 0 आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि या इन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर 0 होगा जिसकी वजह से ये 0 आंसर आया होगा, क्योंकि जब भी आप किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और वो 0 नहीं है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो वो या नेगेटिव नंबर्स हैं तो वो कभी भी आपको मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर नहीं देते। तो इसलिए ऐसे दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई करें और 0 दे तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं तो हम ये नहीं बता सकते, ये नहीं कह सकते कि दोनों में से 0 कौन सा था, तो हम बारी बारी करके दोनों को 0 के इक्वल लेंगे और हम ये बताएंगे कि पॉसिबिलिटीज है कि या तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा और या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से मेरे पास आएगा x की वैल्यू -4 और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास
या तो x की वैल्यू माइनस फोर है या तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस वन है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बताता चलूँ, ये हम लोगों ने नाइन्थ क्लास के कोर्स में पढ़ा है कि जितनी भी हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल होती है उतने ही सॉल्यूशन सेट भी निकलते हैं हमारे पास। अगर ये एक सिंपल इक्वेशन होती और इसकी डिग्री वन होती तो इसका ऑफ कोर्स हर हालत में एक ही सॉल्यूशन सेट निकलता, जबकि यहाँ पर इसकी डिग्री टू है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री टू की होने की वजह से इसके सॉल्यूशन सेट्स भी दो निकलने चाहिए, जो कि हमने नीचे जाकर वेरीफाई भी किया है कि दोनों के दोनों सॉल्यूशन सेट्स हमारे पास दो में आए हैं, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो या पॉजिटिव एक नेगेटिव हो या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो सॉल्यूशन सेट्स तो जरूर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन की कौन कौन से हैं, माइनस फोर एंड माइनस वन। ये हमारे पास सबसे आसान तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंपलीफाई करने का, फैक्टराइजेशन का, और फैक्टराइजेशन के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन याद रखिए फैक्टराइजेशन मेथड जब भी अप्लाई करेंगे या फैक्टराइजेशन के अलावा भी अगर आप क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर रहे हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो उसके लिए जनरल फॉर्म में होना किसी भी इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अपने ज़हन में नोट कर लें कि जब तक जनरल फॉर्म में नहीं होगी पहले हम उसको जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है या वहाँ पर रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या रैशनल अल्जेब्रिक इक्वेशन है तो उसको पहले सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद उसको अपने जनरल फॉर्म में लाकर उसके बाद ही हम उस पर फैक्टराइजेशन मेथड या कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब जो दूसरे मेथड जिसकी हमने बात की थी वो दूसरे मेथड की तरफ हम जाते हैं। फैक्टराइजेशन के और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन के और भी मेथड्स हमारे पास एप्लीकेबल है, हो सकते हैं उसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता हो सकता है कोई और मेथड अप्लाई हो रहा हो, लेकिन फैक्टराइजेशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सिंपलीफाई करने के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो a+b होल स्क्वायर का फार्मूला या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स या मे बी सम एंड प्रोडक्ट रूल, जो कि मैंने अभी स्प्लिटिंग रूल आपको करके दिखाया है, इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आपको नजर आएंगे। अब इसके अलावा हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक क्वेश्चन ले रहे थे हम लोग, दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को मैं कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूं ताकि स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए आसानी पैदा हो कि उसको कैसे याद रखा जाए कि मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सिंपलीफाई करते हुए किस तरह से सॉल्व करूंगा। तो लेट्स सबसे पहले क्वेश्चन उसका लिख लेते हैं और मैं यहां पर उसके स्टेप्स लिखूंगा कि कौन कौन से स्टेप्स याद रखें कि जिससे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई कर सकें। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ उसका, 5x²-10x-840=0। नंबर वन, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अगर जो भी क्वेश्चन हो, स्टेप नंबर वन उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि इसके a की वैल्यू जो भी होगी उस a को वहां से खत्म करना है। आई मीन टू से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले इस a को यहां से फ्री करवाना है, x स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, फ्री x स्क्वायर, सबसे पहले x स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ जो भी नंबर लिखा हुआ होगा उसको फ्री करवाना है। तो फ्री करवाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले उसी नंबर पे डिवाइड कर दें जो कि वो नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ मेरे पास 5x² है तो मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा 5 को सारी के सारे नंबर्स पर। आई विल डिवाइड 5x² ऑन 5, देन 10x बाय आल्सो 5 एंड -840 बाय 5 एंड आल्सो द अदर साइड बाय 5। जब मैंने 5 पे डिवाइड किया तो ये सिंपलीफाई होगा, ये भी सिंपलीफाई होगा, ये भी मेरे पास सिंपलीफाई होगा, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 160। मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 168 और ये यहाँ से 0 आ जाएगा। इन शॉर्ट ये कि मेरे पास एक इक्वेशन बचेगी -2x-168=0। हो सकता है कुछ लोग कुछ स्टेप्स आगे पीछे करते हो या कहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो स्टेप्स ही है। स्टेप नंबर टू, टेक द कॉन्स्टेंट टू राइट साइड। अब कांस्टेंट वैल्यू सी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी है, -168 को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे और मेरे पास बचेगा x²-2x=168। स्टेप नंबर थ्री, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, कंप्लीट स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड। अब मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड पर स्क्वायर को कंप्लीट करवाऊंगा।
ये ऐसा समझे कि जैसे मुझे बाइनोमियल एक दिए हुए हैं, एक बाइनोमियल्स दिए हुए हैं, और बाइनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए याद होगा आपको लास्ट ईयर नाइन्थ क्लास के कोर्स में, आप लोगों ने नाइन्थ के कोर्स में पढ़ा हुआ है कि किस तरह से आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर करवा सकते हैं। आपने पहले उसमें जज करना पड़ता है, जज करना होता है कि उसके अंदर ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर गिवन दिया हुआ है आपको, या ए का स्क्वायर और ट्वाइस का प्रोडक्ट दिया हुआ है साथ में होंगे, जो भी वैल्यूज आपको दिए हुए होंगे आप उसको जज करके तीसरी वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में हम ये भी फायदा उठा सकते हैं कि अगर वही एक चीज हम एक साइड पर ऐड करें तो दूसरी साइड पर भी बैलेंस करने के लिए उसको ऐड किया जा सकता है। अब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरा एक नंबर ऐसा दिया हुआ है जिसमें कोई वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 2x जो है वो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है मुझे ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा शक होना चाहिए कि ये वैल्यू जो होगी ये जरूर ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट की होगी। तो सबसे पहले अब अगर मैं यू लिखना चाहूँ कि अगर ये ए स्क्वायर हो और अगर यहाँ पर ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट लिखा हुआ हो किसी भी नंबर का, तो मेरे पास ऑफकोर्स ये एक्स की वैल्यू जो होगी, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए की जगह पर आएगी। तो फिर मैंने डिसाइड ये करना होगा कि वो कौन सी वैल्यू होगी ऐसी कि जिसको 2x से मल्टीप्लाई करूं और वो मुझे ये वाली वैल्यू दे। ऑफ कोर्स हमें पता है कि 2x को मैं अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो मेरे पास 2x आएगा, अदर देन दैट मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि मुझे वो 2x की वैल्यू दे सके। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू जो है असल में जो कि यहाँ पर मिसिंग है, जो कि यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है, वो जरूर एक 1 का स्क्वायर होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूंगा कि 1 का स्क्वायर ऐड करूंगा दोनों साइड्स पर ताकि वो इक्वेशंस को बैलेंस कर सके। आई विल राइट एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स पर 1 स्क्वायर को ऐड करूंगा, मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2x इनटू 1, और जो जिस x 1 स्क्वायर की मैं बात कर रहा था मैं 1 का स्क्वायर यहां पे भी ऐड किया और उसी तरह 1 स्क्वायर को मैंने यहां पर भी ऐड किया। जब मैंने नोटिस किया तो यहाँ पर मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और वहां पर मेरे पास 168 और 1 का स्क्वायर वो बन जाएगा मेरे पास 169। अब मेरे पास दो स्क्वायर्स हैं, मैं दो स्क्वायर्स को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अगर मैं ये 169 इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मैंने वेरिएबल को रिड्यूस करना है, तो मैं इस वेरिएबल की पावर को रिड्यूस करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा दोनों साइड्स पर। आई अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कट जाएगा, यहां से बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, क्योंकि स्क्वायर रूट की सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन में दूसरी साइड पर जो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं होता कि वो कौन सी वैल्यू थी जिसको सॉल्व करने के बाद ये वो कौन सी वैल्यू थी यहाँ पर पुट करने से जिससे ये 169 आंसर आएगा। तो प्लस 13 का स्क्वायर भी हो सकती थी और माइनस 13 का भी स्क्वायर हो सकती थी, क्योंकि दोनों का ही स्क्वायर लेने से वो मेरे पास 169 आएगी, इसलिए मुझे यहाँ पर रिलाई करूंगा कि वो प्लस माइनस 13 है। तो बेसिक आपने नोटिस किया कि ये वो तीन स्टेप्स थे जिसको सिंप्लीफाई करने से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, अपने पास एक वैल्यूज निकाल सकते हैं। और फिर आगे जाकर हम ये नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहां पर अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 1 इज इक्वल टू या तो प्लस 13 है, या फिर इसका मतलब ये है कि मेरे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13 है। दो का क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर हालत में मेरे पास दो सॉल्यूशंस भी आने चाहिए। मेरे पास यहां से आएगा x = 13 + 1 x will be equal to 14, और यहां से आएगा x = -13 + 1, यहां से आएगा x -12। सो हियर आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे पास आ जाएगा -12 एंड 14। आप फिर मैं दोबारा से ही आप लोगों को बताऊंगा डियर स्टूडेंट्स के आप लोग यहां पर यही जो नोट्स करके कि तीन स्टेप्स हैं आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए, तीन स्टेप्स को फोकस करना। नंबर 1, सबसे पहले आपने x की वैल्यू को फ्री करवाना है, जो भी उसके साथ वैल्यू होगी उसको आपने डिवाइड करना है ताकि x जो है वो हमारे पास फ्री हो जाए। नंबर 2 स्टेप, आपने कांस्टेंट वैल्यू को जो भी कांस्टेंट वैल्यू इसमें होगी अगर नहीं है, सपोज कोई a का स्टेप नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वो स्टार्ट ही x स्क्वायर से हो रहा है और वहां पर कोई आपको x स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू दी नहीं, कोई नंबर कोई कोएफिशिएंट दिया ही नहीं हुआ, कि कोएफिशिएंट को आप वहां से खत्म करें तो आप स्टेप नंबर 1 स्किप करेंगे और अगले स्टेप पर चले जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारे पास, ये आपने कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे लेकर जाना है।
अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि उसमें कांस्टेंट वैल्यू ही ना हो तो आपने ऐसा करना है वहां पर कि वहां पर स्टेप नंबर 2 स्किप कर देना है और स्टेप नंबर 3 पर जंप कर देना है। स्टेप नंबर 3 ये था कि जो भी राइट साइड पर आपके पास लेफ्ट साइड में बचा हुआ होगा उसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनवाना होगा। कंप्लीट स्क्वायर बनवाने के लिए आपको वहां पर उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और उसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा और कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद स्क्वायर रूट लिया जाएगा, स्क्वायर रूट की वैल्यूज आएंगी और उससे आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन सेट फाइंड होंगे। तो ये था हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है काफी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही वो मेथड था जो कि एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन जो है, जनरल फॉर्म जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया जाता है। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी वो भी अलग एक वीडियो में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूले को कैसे ड्राइव किया गया था और किस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया गया था। यही तीन मेथड्स, यही तीन स्टेप्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, जो कि जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, उसके ऊपर अप्लाई किए जाए तो वो आपको एक्स की वैल्यू निकाल कर देगा। इसके अलावा अगर हम लोग थर्ड मेथड की बात करें, जो कि मैंने थर्ड मेथड आपको बताया भी था कि थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग, आई एम सॉरी, हमारे पास इस टाइम पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं क्योंकि मैं इस टाइम, हम लोग खुद भी एक क्वारंटाइन में फंसे हुए हैं तो इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से ही हम लोग एक छोटी मोटी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो लेकिन काम आपका चल रहे। तो थर्ड मेथड जो कि हम लोगों ने पढ़ना है आज, जो कि हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर, सॉरी थर्ड मेथड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहली बात यह कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या चीज। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, अगर वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन उठा लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है जिससे हम अप्लाई करके और अप्लाई करने के बाद हम लोग उसको सिंपलीफाई करके हमारे जो भी सॉल्यूशन सेट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड एनी गिवन वेरिएबल इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके हम लोग एक सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें ये a b n c जो आपको नजर आ रहे हैं वो आपको पहले से ही पता है कि जनरल फॉर्म में ही आप नोटिस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ax2 + bx + c = 0 हो तो जो x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है वो a रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो x के साथ वाली वैल्यू होती है वो बेसिकली b रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो कांस्टेंट वैल्यू, जो अकेली कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास c की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी मैं इस तरह भी बोल सकता हूं कि द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कॉल्ड a, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड द नॉन कोएफिशिएंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड c। जो कि अगर मैं यहां पर नोटिस करूं तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो 1 है, जो b की वैल्यू है वो हमारे पास बेसिकली -8 है और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 15 है। अगर मैं इस इक्वेशन पर x -b - -4ac (2a) फार्मूला अप्लाई करूं तो तब भी हम लोग डायरेक्ट एक आसानी से सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर -b की वैल्यू पुट करते हैं -8 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर की वैल्यू है -b -8 का स्क्वायर -4 इनटू a इनटू c, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 15 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ a, देन x इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस इज प्लस 8 प्लस माइनस अंडर द रूट द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 माइनस इनटू 15 इज -60 होल डिवाइडेड बाय 2, then x will be equal to 8 plus minus under the root 64 minus 4 will be 4 whole divided by 2. From here you will get x is equal to 8 plus minus under the root square of 2, because we know the 4 is the square of 2, so it will be the square of 2 which will cancel the square root and we will get
2, 8 plus 2 under the root 2 divided by 2. Now, you can clearly see here, कि 8 plus minus 2 divided by 2, इसका मतलब ये है, कि या तो x की value हमारे पास 8 plus 2 divided by 2 होनी चाहिए, और या फिर x की value हमारे पास 8 minus 2 divided by 2 होनी चाहिए, इन दोनों में से कोई एक value होगी, क्योंकि यहाँ पर already पहले से mention हुआ हुआ है कि 8 x की value find करनी है, तो ये जो यहाँ पर जो discriminant की value है, ये हमारे पास plus minus के साथ mention की गई है। ये जब हम quadratic formula हम prove करेंगे कि quadratic formula किस तरह से prove किया जाता है, तो उसमें भी हम आपके लिए उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये plus minus वहाँ पर कहाँ से आया था। x is equal to 10 divided by 5, 10 divided by 2, and then x will be equal to 5, whereas x will be here 6 divided by 2 and x will be equal to 3. तो आप clearly notice करेंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास 3 and 5 दो solution sets निकले, जो कि हमारी given quadratic equation में अगर verify किए जाएं, तो किए जाएं, तो आप देखेंगे कि ये उस दोनों equation, ये दोनों के दोनों solution set इस equation को verify भी करेंगे। तो वो values जो कि हमारे पास जो वो solution set वो चीजें वो values जो कि हमारे पास किसी भी अपनी given equation को satisfy करें वो उसकी solutions क्या रहते हैं। Therefore 3 and 5 are the solution sets of the given equation. ये था dear students हमारा आज का topic, जो कि quadratic equations के तीन methods पर हमने पढ़ा, जो कि exercise 1.1 को complete करेगा। आपकी तीनों मैंने methods पर एक-एक video एक-एक question example करवाया, जिससे आप clear हो जाएंगे कि आपने किस तरह से उन equations को करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि factorization method में 3-4 methods आपके basic use होंगे, completing square method के अपने 3 steps हैं, और quadratic formula is quite clear. But remember again कि जब कभी भी आप quadratic formula apply कर रहे हो या factorization method apply कर रहे हो, तो general form में होना उस question का बहुत जरूरी है। अगर वो general form में नहीं होगा, तो वो question आप simplify नहीं कर सकेंगे। पहले आप उसको simplify करें, simplify करने के बाद उसको general form में लाएं, उसके बाद आप उस पर ये method apply कर सकेंगे। क्योंकि general form में नहीं होगा, तो आप ABCs decide नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर factorization करते वक्त भी factorization नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग किसी भी quadratic equation को simplify कर सकते हैं, और simplify करके solution sets find कर सकते हैं। I hope कि आपने understand किया होगा। अगर आपको कोई भी question पूछना हो, आप comment नीचे कर सकते हैं, मैं आपको उसका reply करूँगा। आप जरूर हमारे channel को subscribe करें, और bell के icon को जरूर click करें, ताकि आपको notifications जारी हो जब भी हम कोई नई video डालें। I hope कि आपको मेरी बातों की समझ आई होगी, और किसी किस्म का भी कोई problem हो, मैं अपना cell phone, अपने link, अपना Facebook account भी link में दीजिए, description में add कर दूंगा, ताकि अगर आप कोई contact करना चाहें तो मैं आपको contact कर सके। 9th और 10th class के complete detailed notes भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर किसी student को चाहिए हो तो वो भी मुझसे contact कर सकता है, और मुझसे वो ले सकता है। Thank you very much. That's end of the day.